बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड ऑप्टिक्स डॉक्टर रामस्वरूप साहब। तो कल जो मैंने आपको बताया था उसमें कि भाई लेजर की जो बनाने की या लेजर कैसे बनेगा, उससे पहले ये जो ट्रांजिशंस है या इस तरीके की जो घटनाएं हैं कि भाई एक तो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण और एक है स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहाँ अपन चल रहे थे उस वीडियो में कि भाई एक फोटोन आया तो आपके पास में लोअर स्टेट है जो ईआई से हायर स्टेट ईजे के अंदर है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो कह रहा है कि इस संक्रमण की प्रायिकता की दर पी आई जे समानुपाती होती है क्या दोनों ऊर्जा स्तरों के, यानी कि ई और ई जे के निकाय पर आपतित प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या के। चूंकि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या को प्रकाश की तीव्रता आई ब्रैकेट वी ब्रैकेट बंद कहते हैं, वी है जो प्रकाश की आवृत्ति है। तो यहां पे हमारे पास में क्या हुआ कि ऊर्जा घनत्व में जो हम लिखना चाहते हैं वो आपके पास में म्यू न्यू होगा और प्रकाश के वेग सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मात्रक है जो मैंने कल डिस्कस किया था, ये मात्रक है जो हमारे पास में आएगा समान। यदि दोनों ऊर्जा स्तरों पर संक्रमण की निर्भरता को समानुपाती नियतांक में सम्मिलित माने, दोनों ऊर्जा स्तरों पर संक्रमण की निर्भरता को समानुपाती नियतांक माने तो सम्मिलित माने तो प्रति एक प्रति सेकंड अवशोषण संक्रमण की प्रायिकता क्या होगी। यहां ये कह रहे हैं कि आपके पास में जो भी ये ट्रांजिशंस हो रहा है उस ट्रांजिशंस के लिए जो प्रायिकता है, उस प्रायिकता के लिए पी और आई और जे को जो लिखा है इसके लिए कह रहा है कि दोनों ऊर्जा स्तरों पर संक्रमण की निर्भरता को समानुपाती नियतांक माने अपन, तो क्या करा है कि पी आई जे समानुपाती आई और वी, यानी कि जो आपके पास में आई वी जो तीव्रता है उसके समानुपाती, या पी आई जे समानुपाती म्यू और ब्रैकेट में आपके पास में आवृत्ति लिखी है। तो यहां आपके पास में बी है जो क्या हुआ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट आया, इसको बी से रिप्रेजेंट किया और इसे समानुपाती नियतांक या आइंस्टाइन का आवेश अवशोषण गुणांक कहते हैं। समानुपाती नियतांक का सीधा सा यह है कि यह मूलभूत गुणों को लिए घूमता है और इधर की बीमा इसके रेस्पेक्ट में इधर बीमा को बराबर करता है। यहां बीमा है जो हमारे पास में कौन सी बीमा होगी, यहां हमारे पास में होगी प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल की बीमा। तो बी की बीमा है जो इसके उल्टी होगी, जिससे कि प्रायिकता है जो आपके पास में पहुंच जाए, ये अगर प्रायिकता अगर यूनिट लेस है तो यूनिट लेस बन जाएगा, प्रायिकता की कोई यूनिट है ही नहीं, तो इसलिए इसके रेस्पेक्ट में जो बी आई जे आया ये अवशोषण गुणांक है और गुणांक है जो ही क्या करता है इस पूरी प्रक्रिया को ही लिए घूमता है या समझाता है, इसलिए आपके पास में समानुपाती नियतांक एक मूलभूत गुण है। अब आपके पास में देखिए यह आया कि स्वतः उत्सर्जन स्पॉन्टेनियस एमिशन, यहां क्या हुआ उत्तेजित अवस्था में जे में परमाणु का बहुत ही लघु जीवन काल, वही 10^-8 से 10^-10 सेकंड के आसपास का, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय स्थिति में है, विद्युत चुंबकीय इंटरेक्शन है। परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था जे से औसत जीवन काल 10^-8 सेकंड में रहने के पश्चात ये न्यू आवर्ती, यानी कि आपके पास एच न्यू का फोटोन, यहाँ एच का भाग दे दिया तो ई जे माइनस ई आई आवर्ती के फोटोन का स्वतः उत्सर्जन कर अपनी निम्नतम या निम्न ऊर्जा स्तर आई में आ जाता है, जैसा कि यहाँ चित्र में भी दिखाया है कि स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो यहाँ ईजे कैपिटल आपके पास में ईजे, यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है, संक्रमण से पूर्व की स्थिति है, संक्रमण के पश्चात आपके इलेक्ट्रॉन कह दीजिए या एटम कह दीजिए ग्राउंड स्टेट में आ गया और उसने एक फोटोन का उत्सर्जन कर दिया। फोटोन को अपन इस तरीके की लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया भी इसमें आपके लागू होगी, यूज में आएगी। अब आप देखिए इसके साथ में ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि चूंकि निकाय में करोड़ों उत्तेजित परमाणु होंगे जिन्हें प्रत्येक परमाणु यादृच्छिक रूप से फोटोन का उत्सर्जन स्वतः उत्सर्जन करेगा, प्राप्त उत्सर्जित फोटोनों की दिशाएं और कलाएं अनियमित होगी, अर्थात स्वतः उत्सर्जन से प्राप्त विकिरण कला असंबद्ध होंगे। इस प्रकार के संक्रमण की प्रायिकता की दर केवल उन ऊर्जा स्तरों पर निर्भर करती है जिनके मध्य संक्रमण होता है। यहाँ पे केवल और केवल आपके पास में संक्रमण की प्रायिकता है वह उन पे ही डिपेंड करती है जिनके मध्य संक्रमण होता है। ये आपतित प्रकाश की तीव्रता आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। अतः स्वतः उत्सर्जन प्रक्रिया ईजे और ईआई अवस्था में संक्रमण की प्रायिकता की दर पी जे टू आई सदैव निहित रहती है। अतः प्रति सेकंड स्वतः उत्सर्जन की संक्रमण की प्रायिकता होगी पी जे टू आई स्वतः उत्सर्जन इज इक्वल टू आई जे आई। यहां कोई की निर्भरता नहीं है, इसलिए सीधा का सीधा ही जो आपके पास में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसी के इक्वलेंट हो जाएगी प्रायिकता,
अर्थात ई जे का मात्रक और बी जे का बी बी यहां देखो ए जे आई है और वहां बी आई जे है, उसके मात्रक में और इसके मात्रक में, अवशोषण गुणांक के कोफिशियंट में और आई जे आई के कोफिशियंट में अंतर होगा, किसमें, मात्रक में, और नियतांक है ये आइंस्टीन, स्वतः उत्सर्जन गुणांक कहते हैं। अब आपके पास में है उद्दीप्त या प्रेरित उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। तो यहां आपके पास में ये जो मोटा मोटा अपन अभी इसको करते हैं, मैं इसको वापस रिपीट भी करूंगा कल, क्योंकि यहां बस आपको आज इस चित्र में ये सीखना है कि जहां वहां एक बात लिखी थी कि स्टिमुलेटेड अवशोषण, यानी कि आपके पास में उद्दीप्त अवशोषण होता है और यहां उद्दीप्त उत्सर्जन होता है। यहां ये क्या कहना चाहते हैं कि एक मेरे पास में कोई फोटोन में देता हूं, इसका मतलब ये फोटोन पे इसकी निर्भरता होगी, ये देखिए आप यहां पे निर्भरता होगी, और फिर वापस देखो स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान इसमें से फोटोन का उत्सर्जन होता है, तो स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान इसमें से क्या हुआ, उद्दीप्त उत्सर्जन हुआ। तो यहां मिक्सर होगा दोनों का, एब्जॉर्प्शन भी होगा और आपके पास में स्वतः उत्सर्जन भी होगा। एब्जॉर्प्शन इस रूप में होगा कि स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाएगा ये, बजाय कहने का मतलब सीधा अवशोषण कहलाने के। तो यहां इसको अपन कल और अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद।